जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है पराई पुरुष को बिल्कुल ना देखे, जो पुरुष अपना कल्याण चाहते हैं पराई नारियों को बिल्कुल ना देखें, बिल्कुल ना देखें। स्त्रियों को अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, स्त्रियों को अपने चरित्र की, अपने करैक्टर की स्वयं सुरक्षा करनी चाहिए, अपना चरित्र बचा के रखो। चरित्र डुलाने अर्थात चरित्र लुटाने निकलोगे तो लूटने वाले बहुत मिल जाएंगे, भीड़ पड़ी है लूटने वालों की। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि हर स्त्री, चाहे वो छोटी सी बच्ची हो या बूढ़ी सी हो, स्त्री जात को अपने चरित्र की रक्षा खुद करनी चाहिए। पुरुष को भी चरित्रवान बनना चाहिए। यदि चरित्र से स्त्री गिर गई और चरित्र से पुरुष गिर गया तो चरित्र से गिरे हुए व्यक्ति की ना इस लोक में कोई गति है ना परलोक में कोई गति है, कोई गति नहीं है। इसलिए चरित्र को गिरने ना दीजिएगा, अर्थात चरित्रवान बनिएगा। राम चरित्र सुनवे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। हमारी बहन बेटियां अक्सर झूठे प्रेम के जाल में फंस जाती हैं, कोर्ट मैरिज लव मैरिज कर लेती हैं, शादी मनमाने ढंग से कर लेती हैं, बाद में पश्चाताप करती हैं, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब बहुत देर हो चुकी है, अब आपकी आंखों में जो वासु आएंगे ना वो वासु आपको ही कहेंगे कि इनके जिम्मेदार तुम ही हो, कोई नहीं। इसलिए मैं हमेशा आपकी बेटियों से कहा करता हूं, हर बहन से कहा करता हूं कि कभी भी भाग कर शादी ना करना, नहीं जिंदगी तुम्हें, समय तुम्हें ऐसे भगाएगा कि फिर जीवन में तुम ठहर नहीं पाओगी, है ना। इसलिए भाग कर कोर्ट मैरिज लव मैरिज जो हमारी बहनें करती हैं वो ठीक है, पर माँ बाप की मर्जी के बिना जो भी आप करते हैं वो पूरा गलत है। यदि कोर्ट मैरिज में आपके लड़का लड़की के माँ बाप की सहमति है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि माँ बाप की मर्जी के खिलाफ आप कर रही हो या कर रहे हो तो पूरा रॉन्ग है, गलत है। हमारे भारत के जो कुत्ते होते हैं ना वो आप ना कुत्ते को रोटी खिलाओगे तो वो रोटी खाएगा, रात भर आपकी चौकीदारी करता है, क्योंकि कुत्ते को जानकारी है कि मैंने मालिक की रोटी खाई है तो उसकी चौकीदारी करूंगा तो ही रोटी का कर्जा चुकेगा। मतलब हमारे भारत के कुत्ते भी गद्दार, जिस मालिक की रोटी खाते हैं उसे धोखा नहीं देते। और आजकल की बेटियां जिस माँ के पेट में 9 महीने गुजारती हैं, आजकल के बेटे जिन माँ के पेट में 9 महीने गुजारते हैं, जिन माँ के पैसों से पढ़ते लिखते खाते पीते हैं, उन्हीं माँ को धोखा दे के चले जाते हैं। भारत का कुत्ता भी ऐसा नहीं था साहब जैसे आजकल के बच्चे हो रहे हैं। नमक हराम इन्हीं को तो कहते हैं, हाँ वो बेटे वो बेटियां नमक हराम होती हैं, खुद गर्ज होती हैं, जो शादियां कर लेती हैं अपनी और अपनी ही शादी में अपने ही माँ बाप को इनवाइट नहीं करती, मतलब माँ बाप को बुलाना उचित नहीं समझती। आजकल शादियां हो जाती हैं कोर्ट में कर लेते हैं शादियां, मंदिर में, माँ बाप को बाद में पता चलता है जब शादियां, इन्हें आप क्या कहेंगे, इन्हें नमक हराम, इन्हें नमक हराम और किने कहते हैं। जिस पत्तल में खाया उसी में छेद करना, जिस माँ के पेट में 9 महीने तुम रही, जब तुम लड़की हो भाग जाती हो ना तो तुम्हारी माँ जब गुजरती है ना गली मोहल्ले से, लोग कहते हैं इसकी बेटी भाग गई, तो दूसरा कहता है बेटी भाग गई, बेटी ऐसी थी, मम्मी भी ऐसी ही होगी। मतलब क्या है,
तुमने जो किया उसका भुगतान अब तुम्हारी माँ को भोगना पड़ेगा। अर्थात जिस पत्तल में तुमने खाया, जिस पेट में तुम रही, जिस माँ ने तुम्हें पुचकारा, प्यार किया, बढ़ाया, आज उसी माँ, तुम्हारी सती सावित्री माँ, तुम्हारी पतिव्रता माँ आज कलंकित कही जा रही है लोगों के मुंह से, केवल तुम्हारी एक गलती के कारण। क्या ऐसी गलती भारत की बेटियों को करनी चाहिए? भारत में देखिए, अमेरिका में ये सब शोभा देता है। अमेरिका में तो लोग कपड़े कम बदलते हैं, स्त्रियां पुरुष ज्यादा बदलती हैं। वहां के पुरुष भी कपड़े कम बदलते हैं, स्त्रियों को बदलते हैं। वहां तो कपड़े पहनते नहीं, बदलने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। हाँ, तो वहां के लोग, आज एक स्त्री के संग वहां विदेश में ना ऐसे ही होता है। अभी हमारे भारत में ट्रंप आए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, जी आए थे। इनकी दो पत्नियां पहले थीं, तीसरी इनके साथ घूम रही है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति तीन तीन पत्नियां लेके घूमता है, ये उनका संस्कार होगा। हमारे भारत का संस्कार, एक पत्नी थी, उसे भी छोड़ के प्रधानमंत्री ने देश की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री से अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति का कोई कंपेयर ही नहीं। तुम पैसों में बड़े हो सकते हो साहब, पर चरित्र में तो भारत के लोग ही बड़े रहेंगे। हाँ, तीन तीन पत्नियां रखते हैं ट्रंप, हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ऐसे नहीं। हाँ, हमारे भारत के प्रधानमंत्री चरित्रवान है। राजा चरित्रवान होगा, प्रजा चरित्रवान होगी। राम चरित्रवान थे। हाँ, हमें आपकी बेटियों को भी चरित्रवान बनना है। आप हमारी बेटियां ना, आजकल हमारी ये बहन दुबई चली जाए ना, तो फिर वो दुबई, वो भारत की कम लगती है, दुबई की ज्यादा लगने लगती है। और हमारे भारत की सुषमा स्वराज आज भगवान के घर चली गई, उनका खत्म हो गई, वो अर्थात शरीर छूट गया। सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी, अभी प्रेजेंट में थी। जब सुषमा स्वराज जी के कपड़े आपने देखे कैसे पहनती थी, वो तो विदेश मंत्री थी, वो भी चाहती तो आप बहनों की तरह कपड़ा पहन के घूमती, क्योंकि वो तो ऑलरेडी विदेश मंत्री, विदेश में तो उनका दफ्तर ही था, बैठती थी विदेश में। पर ना मेरी बहनों, तुम भारत की लड़की हो, तुम भारत की बेटी हो, तुम भारत की बहन हो। तुम्हारा कल्चर, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी सभ्यता अमेरिका से मैच नहीं करती। तुम अमेरिकन बन के घूमोगी ना, तुम शोभा नहीं पाओगी। तुम्हारी सुंदरता कपड़े उतारने में नहीं, तुम्हारी सुंदरता तो शरीर को ढकने में है।